शराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। धर्म में आज हम बात करेंगे शनि शिग्नापुर की। शनि शिग्नापुर कलयुग के भगवान का वो परम धाम है जहाँ सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और जहाँ खुले आसमान में शिला रूप में शनि देव की पूजा से भक्तों को मिल जाती है शनि दोषों से मुक्ति। क्षितिज से जैसे ही सूर्य देव का आगमन होता है, धरती से छट जाता है गहन अंधकार। नीलांजन समाभासम और जीवन को नहला देती हैं आशा की किरणें। छाया मार्तंड संभूतम इन्हीं किरणों के साथ चल पड़ता है जीवन उस गंतव्य की ओर जहां हर तरफ व्याप्त है न्याय के देवता सूर्य पुत्र श्री शनिदेव महाराज की चमत्कारी सत्ता। वो सत्ता जो देती है कष्टों से मुक्ति का वरदान। शनिदेव महाराज की वो स्वयंभू शिला जिसमें जागृत है जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने की अद्भुत शक्ति। शिंगणापुर जो आएगा, शनि में आस्था रखने वाले ये श्रद्धालु शनि शिंगणापुर इस आस से पहुंचते हैं कि यहां आकर उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जो आएगा हर दुख से मुक्ति पाएगा शनि। यही आस लिए दुनिया के कोने कोने से भक्त शनि शिंगणापुर धाम जाते हैं जो महाराष्ट्र में साईं बाबा की नगरी शिरडी से 70 किलोमीटर दूर है। और जहां कदम रखते ही उनका एक आश्चर्य से साक्षात्कार होता है। हर कोई सोचता है कि आखिर ये कैसी नगरी है जहां घरों और दुकानों में न खिड़कियां हैं और न ही दरवाजे। क्या यहां किसी को अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं? शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनिदेव महाराज की शक्ति और उनकी न्याय प्रियता पर अटूट विश्वास का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि इस क्षेत्र में आते ही बड़ा छोटा ऊंच नीच यहाँ तक कि जात पात की सारी दीवारें स्वयं ढह जाती है। कृपावंत हो शनेश्वरा। और क्या सामान्य क्या प्रसिद्ध, हर किसी का मन एकाग्र होकर शनिदेव के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। कोई शनि की महादशा या उनकी टेढ़ी दृष्टि से मिले कष्टों के निवारण के लिए यहाँ आता है तो कोई अपना शुभ कार्य इस धाम के दर्शन के बिना आरंभ ही नहीं करता। शनि शिला के पास ही पवन पुत्र हनुमान और मंगल मूर्ति श्री गणेश की प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित हैं, जिनका दर्शन पूजन भी शनिदेव के पूजा विधान का हिस्सा है। शनि की इस चमत्कारी शिला के यहाँ स्थापित होने के पीछे भी एक रोचक कथा कही सुनी जाती है। ये तो यहाँ की शिला कम से कम 350 साल की पुरानी शिला है। रेजो शिला है, यहाँ कहीं स्थापित नहीं किया है स्वयं हुए। यहाँ बाजू में एक पानी का नाला है, वो नाला में बारिश के दिन थे, बाढ़ आई थी, बाढ़ में शिला आ गई और छोटे छोटे गाय चराने वाले बच्चों ने देखा कि पानी में कुछ पत्थर तरते हुए आ रहा है। फिर वो बच्चों लोगों ने उसको लकड़ी मार के देखा तो वो जगह से खून निकला। बड़े लोग देखने के लिए गए, तब ये शिला से खून चालू रहा। फिर अंधेरा हो गया, सब लोग घर लौट आए। उसी दिन रात में बूढ़े आदमी को दृष्टांत हो गया, मैं शनि भगवान हूँ, मेरी यहाँ स्थापना करो। और ये यहाँ उसी समय भगवान की आज्ञा थी कि जो मेरा दर्शन करेगा, जो तेल चढ़ाएगा, उसके सब संकट है सो निवारण। जय जय हे शनि राज देव ते। शनिदेव के यहाँ स्वयं प्रकट होने की घटना को सैकड़ों वर्ष बीत चुके, लेकिन आज भी शनिदेव की इस चमत्कारी शिला के प्रति श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है और ये विश्वास दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। हजारों भक्त रोज यहाँ अपनी कामनाएं और कष्ट लेकर आते हैं और ये शनिदेव हैं जो मात्र तेलाभिषेक से ऐसे प्रसन्न होते हैं कि उनकी टेढ़ी नजर कृपा दृष्टि में बदल जाती है।
शनि देव के इस परम धाम में पूजा का मुख्य विधान तेलाभिषेक है और शनि अमावस्या और शनि जयंती के मौके पर तो लाखों की संख्या में उमड़ती है भक्तों की भीड़। तो कलयुग के देवता अभिषेक कर उनसे पाती है सुख समृद्धि का वरदान। शनि देव का ले लो नाम, शनि सिंगापुर मंगल धाम। शनि देव की नगरी सिंगापुर आया हर श्रद्धालु इस विश्वास के साथ यहाँ कदम रखता है कि यहाँ शनि आराधना करने से उसके सारे कष्ट सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। क्योंकि भक्त अपने मन में कुछ ऐसी धारणा पाल बैठते हैं कि जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी वजह शनि की टेढ़ी नजर ही है। जबकि शनि तो सिर्फ इंसान के कर्मों का फैसला करते हैं, वो तो न्याय के देवता हैं और देवता भी ऐसे जो मात्र तेला अभिषेक से हो जाते हैं प्रसन्न। कृपा और न्याय के देवता शनिदेव का दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सदियों से खुले आसमान के नीचे किया जाता है उनका तेलाभिषेक, क्योंकि यहां शनि की आराधना का विधान ही यही है। हो भक्तों सिंगापुर में शनि जी की दया बरसे, हो भक्तों सिंगापुर में शनि जी की दया। शिला के ऊपर छत बनाना यहां पूरी तरह वर्जित है। कहते हैं शनि की इस मुक्ता काशी शिला के ऊपर तेलाभिषेक करने से कुंडली में शनि के समस्त कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं और अगर अवसर शनि अमावस्या का हो तो कहने ही क्या। भगवान का जन्म दे रहा हूँ शनि अमावस्या, ये तो 3-4 साल से एक बार आता है, ये तो बहुत अच्छा सहयोग है। इस दिन में जो शनि भगवान का दर्शन करेगा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ अष्टम द्वादशी ये जो स्थान है वो अनिष्ट है और जन्मदिन आमोस ये दोनों एक ही दिन में आ गए। इसी दिन में भगवान को तेल चढ़ा के अभिषेक किया, काला तिल उड़द ये चढ़ाने से जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का शनि आमोस के दिन दर्शन करने से निवारण हो जाए, इसलिए शनि आमोस और शनि जयंती के यहाँ बहुत भक्त लोग आते हैं। होगा तेरा कल्याण कहाँ मेरा मान लगा ले। शनि के तेलाभिषेक से पहले भक्त एक विशेष स्थान पर स्नान के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ उन्हें घर से पहनकर आए वस्त्र उतारकर गेरुए वस्त्र धारण करने होते हैं। स्नान के बाद भीगे शरीर ही भक्त बढ़ जाते हैं उस पावन स्थल की तरफ जहाँ स्थापित है सूर्य पुत्र श्री शनि देव महाराज। मंत्रोच्चार के साथ होता है शनि का तेलाभिषेक। ये शनि आराधना का नियम है कि तेलाभिषेक खड़े होकर ही किया जाता है। जैसे जैसे श्रद्धालु तेलाभिषेक की प्रक्रिया से गुजरते जाते हैं उनके मन का ये विश्वास मजबूत होता जाता है कि उन्हें मिल सकेगी शनि देव की कृपा। कहते हैं शनि की 7.5 हो या 2.5, अष्टम शनि का संकट हो या कंटक शनि के कांटे जीवन में चुभ रहे हैं, भक्तों के जीवन का हर दुख शनि के इस धाम में आकर सुख में बदल जाता है। किसी का कोर्ट का काम होता है, किसी का सपनौती लगती है, फिर उस टाइम पे संकल्प करके उसका संकल्प होता है जिसका न्यायालय का काम है। हम लोग तो न्यायालय का वो काम संकल्प करते हैं, जिसको 7.5 पनौती है उसका संकल्प लेके उसकी पूजा करवाते हैं, इसके वो सब मनोकामना पूरा हो जाता है। शनि के इस चमत्कारी धाम में शनि शिला की आरती का दृश्य भी कम मनोरम नहीं रहता। पुजारीगण शनि की पवित्र शिला का विशेष तेलाभिषेक करते हैं, फिर चंदन और ताजे फूलों की माला से सुंदर श्रृंगार किया जाता है।
उसके बाद तेलाभिषेक और श्रृंगार से तृप्त हुए सूर्य पुत्र श्री शनिदेव महाराज की विशेष आराधना की जाती है और इस भव्य आराधना में शामिल होने का मोह कोई नहीं त्याग पाता। उदयपुर में शनिदेव का एक ऐसा मंदिर जहां शनिदेव के मुख में समाये हुए हैं सूर्यदेव। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है, चांदी से चमकते शनिदेव का ये रूप कर देता है भक्तों की हर मुराद पूरी। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा, शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। पवन पुत्र के मुख में नहीं करेंगे, यहाँ शनिदेव के मुख में समाये हैं सूर्यदेव। कृपावंत हो शनेश्वर, यहाँ चमकीले रंग में विराजते हैं शनिदेव। तेल से नहीं फूलों से होता है शनिदेव का अभिषेक। जी हाँ, टीवी पर पहली बार हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं शनिदेव के एक ऐसे रूप के जो अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। वैसे तो आपने अब तक पवन पुत्र हनुमान को सूर्य देव को निगलते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे शनिदेव का वो रूप जिसमें उनके मुख में समाये हैं सूर्य देव। माटी के कुंभ पर तेरी स्थापना करेंगे स्वामी। यकीन नहीं होता तो उदयपुर के हाथी पोल में स्थित शनि मंदिर में आने के साथ ही ये बातें सच हो उठती है। कथा सुनेंगे, यहाँ मूरत तो है शनिदेव की लेकिन बड़ी ही अनोखी, जिनके मुख में सृष्टि को रोशन करने वाले सूर्य देव के होते हैं दर्शन। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शनिदेव का ये कैसा रूप। पुराणों में अब तक हनुमान के सूर्य देव को निगलने की बात तो सुनी होगी, लेकिन शनिदेव ने क्यों धारण किया ये रूप, क्या है इनके इस रूप की कहानी। न्याय के देवता शनि देवी देवताओं संग भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले